Dear students, how are you to all? I hope all of you feel good. Students, today I am going to teach you chapter number 5 of our social science book. And the name of the chapter, Towards Freedom or Struggle Towards Freedom. Now let us start our chapter, beta. India has always been famous for spices, textiles, jewelry and pearls. इंडिया हमेशा से ही फेमस है अपने स्पाइसेस मसाले टेक्सटाइल कपड़ा ज्वेलरी एंड पियर्स मोतियों के लिए हीरे मोती के लिए द अरब्स वेयर अमंग द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड्स अरब पीपल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया में आके व्यापार किया द पोर्चुगीज द डच द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश फॉलो इनके बाद पोर्चुगीज फिर डच फिर फ्रेंच लास्ट में ब्रिटिश पीपल आए हमारे यहाँ पे व्यापार करने के लिए इट इज अ पिक्चर ऑफ इंडियाज ट्रेड आइटम गोल्ड सिनामिनन क्लोव्स ब्लैक पीपल द ब्रिटिश एमर्स एज द मोस्ट पावरफुल अमंग देम इन सब में किन सब में अरब पोर्चुगीज डच फ्रेंच और ब्रिटिश इन सब लोगों में ब्रिटिश सबसे ज्यादा पावरफुल साबित हुए They traded through the East India Company. इन्होंने अपना ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू किया द कंपनी बॉट्स गुड्स चीपली फ्रॉम इंडिया इनने ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया से जो गुड्स खरीदा सामान खरीदा बहुत चीप रेट में खरीदा कम रेट में एंड सोल्ड देम अब्रॉड एट हाई प्राइसेस और बाहर के देशों में बहुत ही हाई प्राइसेस में बेच दिया दिस रिजल्टेड इन ह्यूज प्रॉफिट फॉर द कंपनी इसका रिजल्ट ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही प्रॉफिट हुआ लिटिल बाय लिटिल द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द होल ऑफ इंडिया धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया आप देख सकते हैं कम रेट में कैसे खरीदते थे ब्रिटिश पीपल इंडियन से सामान टेकिंग एडवांटेज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस ब्रिटिश पीपल ने एडवांटेज उठाया इंडियंस में लैक ऑफ यूनिटी एकता की बहुत कमी थी द ब्रिटिश कन्क्वर्ड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर रूल ब्रिटिश पीपल ने एक बहुत बड़े इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर कब्जा कर लिया और अपना रूल एस्टैब्लिश कर दिया नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसकंटेंट अमंग इंडियंस भारतीयों में असंतोष वंस द ब्रिटिश वेयर फेमिली Established in India. जब सख्ती से एक बार ब्रिटिश पीपल हमारे इंडिया में स्थापित हो गए They exploited the farmers, traders, craftsmen and rulers of local kingdoms. उन लोगों ने शोषण करना शुरू कर दिया farmers, किसानों traders, व्यापारियों craftsmen, शिल्पकारों and ruler of local kingdom, छोटे छोटे kingdom के राजाओं से The farmers were made to pay very high taxes. फार्मर्स के ऊपर बहुत ही हाई टैक्स लगा दिया इवन ड्यूरिंग फ्लड एंड ड्राफ्ट द फार्मर हैड टू पे देयर शेयर ऑफ टैक्स कभी कभी बाढ़ या सूखा पड़ जाने के बाद भी फार्मर्स लोगों को अपना शेयर्स जो टैक्स के लिए देना रहता था वो उतना ही पे करते थे दे वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ब्रिटिश पीपल ने फोर्स किया कि आप इंडिगो की खेती करो फार्मर्स को इंडिगो मीन्स अ प्लांट विच इज अ सोर्स ऑफ इंडिगो डाई एक प्लांट होता है जिससे इंडिगो डाई बनती है एंड कॉटन दैट मीन्स ब्रिटिश पीपल ने फोर्स किया इंडिगो और कॉटन की आप ग्रो करो दीज वेयर बॉट एट वेरी लो रेट्स एंड सोल्ड एट वेरी हाई रेट्स इन इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज दीज वेयर बॉट एट और ये क्या करते थे इंडिगो और कॉटन बहुत कम दामों पे हमारे इंडिया से ले लेते थे एंड सोल्ड एट वेरी हाई रेट्स इन इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज और इसी इंडिगो और कॉटन को इंग्लैंड और अदर कंट्रीज में बहुत ही हाई रेट्स में बेच देते थे दस फार्मर्स इन इंडिया बिकेम पुअर इससे ये हुआ कि फार्मर जो इंडिया के थे वो धीरे धीरे बहुत गरीब होते चले गए मैनी डाइड ड्यू टू स्टारवेशन कई सारे स्टारवेशन भुखमरी के कारण मर गए Cheaper mill made cloth was imported to Indian from England. Cheaper mill made cloth was imported into India from England. बहुत सस्ती मिल का कपड़ा इंग्लैंड से लाके
इंडिया में देने लगे, इंपोर्ट करने लगे. एज अ रिजल्ट द हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सफर्ड. इसका रिजल्ट ये हुआ कि हाथ से बनने वाले जो कपड़े इंडस्ट्रीज थी हमारे इंडिया में वो सफर्ड करने लगी. लैक ऑफ वीवर्स बिकम, इट इज अ पिक्चर ऑफ इंडिगो डाई बेटा. ओके, लैक ऑफ वीवर्स बिकम अनएम्प्लॉयड. जब हैंडलूम इंडस्ट्री सफर्ड करने लगी तो बहुत सारे बुनकर अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए. दे सफर्ड द सेम फेट एज द फार्मर, फार्मर्स की तरह. द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ द इंडियंस टू ओपन मिल्स एंड फैक्ट्रीज. ब्रिटिश पीपल अलाउ नहीं करते थे इंडियंस को अपनी मिल्स और फैक्ट्रीज ओपन करने के लिए. इट इज द पिक्चर ऑफ हैंडलूम. The British did not allow the Indians to open mills and factories. British people Indians को allow नहीं करते थे mills और factories खोलने के लिए. Indian traders were not allowed to trade in items of their choice. और Indians को ये भी allow नहीं करते थे कि वो अपनी choice का कोई business कर सके. Indian rulers and princes were also unhappy with the British. A law was passed by the British which stated that if a ruler did not have a male child, then upon the death of that ruler, his kingdom would be taken over by the British. That means, जो ruler और princess थे, वो बहुत unhappy थे British से. उसी time एक law pass हो गया कि अगर किसी भी kingdom के राजा का अगर male child नहीं है, तो वो सारा kingdom British people को चला जाएगा. By using unjust and unfair means, the British sought to expand their hold over India. अपने unjust और unfair means के कारण उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया. The dissatisfaction and anger of most, ये local kingdom के ruler से बेटा. The dissatisfaction and anger of most Indian led them to revolt. और इंडियन में बहुत डिससेटिस्फेक्शन और एंगर, गुस्सा बढ़ जाने की वजह से रिवोल्ट शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया इंडियंस ने. नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. एवर सीन्स द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हैड बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर अनफेयर पॉलिसीज. उनकी अनफेयर पॉलिसीज की वजह से इंडिया में जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगा. However, there was no unity in their protest. इस protest में Indians में unity नहीं थी. It was only in 1857. ये 1857 की बात है, that a major revolt broke out. 1857 में एक बहुत बड़ा revolt हुआ, विद्रोह हुआ. This was the first war of independence. इसी को first war कहते हैं independence का. And also called सिपाही mutiny. इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं. Or the great revolt of 1857. और महान विद्रोह 1857 के नाम से भी जानते हैं. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन आर स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम. ये बहुत बड़ा इवेंट था हमारे फ्रीडम के लिए. द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स सर्विंग द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया. ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ सोल्जर्स, हमारे इंडियन सोल्जर्स से इंडियन आर्मी में जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे. अ न्यू राइफल कॉल्ड द एनफील्ड, उसी टाइम एक राइफल आई थी, बंदूक आई थी, दैट वॉज कॉल्ड एनफील्ड. Had been introduced in India. उसी time India में introduced हुई थी. A rumor spread that the grease used in the bullet was made from the fats of cow and pigs. उसी time एक अफवाह spread हो गई कि इस बंदूक में जब bullets डाल, bullet बने हुए हैं, वो cow और pigs के fat के हैं. Soldier had to bite off the greased wrapper of the bullet before loading it in the rifle. सोल्जर्स लोगों को मुंह से उसे काटना पड़ता था, उसके बाद ही वो उसमें बंदूक में लोड कर पाते थे. ये रिवॉल्ट ऑफ 1857. नाउ हियर सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट 1857 कहाँ कहाँ हुए थे. ये मेरठ, दिल्ली, कानपुर, बरेली, ग्वालियर, झांसी, जबलपुर, बैरकपुर. दिस वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स. और ये हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट था. दे रिफ्यूज टू दीज राइफल एंड रिवॉल्टेड. उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम ये राइफल यूज नहीं करेंगे और विद्रोह शुरू हो गया.
The revolt started at Meerut and soon spread to large part of northern and central India. ये विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे नॉर्थन इंडिया में, फिर सेंट्रल इंडिया में फैल गया. क्राफ्टमैन एंड अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये आप पिक्चर देख सकते हैं. बुलेट को पहले मुंह से काटना पड़ता था, उसके बाद बंदूक में लोड होती थी. ना हियर सम पिक्चर, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर. The revolt started at Meerut and soon after a large part of northern and central India. Meerut se start hua ye revolt, northern India aur central India mein phail gaya. Farmers, craftsmen and other section of society joined the revolt. Kai sare varg ke logon ne is revolt mein hissa liya badh chal ke. The soldiers declared the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar their leader. Soldiers ne declare kar diya ke hamara last Mughal एम्परर बहादुर शाह जफर है, वो उनका लीडर है. द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब एंड तात्या टोपे एट कानपुर. कानपुर से इस रिवॉल्ट को नाना साहेब और तात्या टोपे ने लीडरशिप में हुआ. रानी लक्ष्मीबाई एट झांसी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की लीडरशिप में. एंड बेगम हजरत महल एट अवध, अवध से बेगम हजरत महल के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया. Now here one fact wise is this beta. After defeating the mutineers, the British exiled Bahadur Shah Zafar to Burma, now Myanmar. जब हम ब्रिटिश से हार गए, उसके बाद ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफर को देश निकाला दे दिया बर्मा में. Now it is called Myanmar. He spent last 5 years of his life in Rangoon. रंगून में बहादुर शाह जफर ने अपने life के 5 साल बिताए. Now it is called Yangon, Rangoon. It is called Yangon. With his death in 1862, 3 centuries of Mughal rule came to an end. उसकी मृत्यु के बाद 1862 में जब बहादुर शाह जफर मर गया, उसकी मृत्यु के बाद 3 सेंचुरी तक मुगलों ने हमारे इंडिया पे शासन किया. Now, after the revolt, revolt के बाद क्या हुआ? The British suppressed the first war of independence. Many factors were responsible for the failure of revolt. The British suppressed the first war of independence. पहला इंडिपेंडेंस वार को सप्रेस दबा देने के बाद मैनी फैक्टर्स वे रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट. इस रिवॉल्ट को फेल होने में कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. ये जो रिवॉल्ट था ये पूरे इंडिया में स्प्रेड नहीं हो पाया था. इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव सफिशेंट मनी एंड गुड वेपन्स. जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास ना तो ज़्यादा पैसा था और ना अच्छे हथियार थे. द रिवॉल्ट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज प्रॉपरली. ये जो रिवॉल्ट था ये अच्छे से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था. ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश सोल्जर वेयर वेल इक्विप्ड विद मॉडर्न वेपन्स एंड वेयर वेरी वेल ऑर्गेनाइज. और दूसरी तरफ जहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके पास बहुत अच्छे हथियार थे और बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज किया गया था ये रिवॉल्ट. आफ्टर द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड मैनी इंडियंस वेयर आइदर किल्ड. इस रिवॉल्ट के बाद कई सारे इंडियंस या तो मार दिए गए और After the revolt was suppressed, many Indians were either killed or put in the prison. कई सारे Indians को जेल में डाल दिया इस revolt के बाद, या तो उन्हें मार दिया गया. The rule of East India Company ended in 1858. जो East India Company का rule था 1858 में एंड हो गया. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड. जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको टेक ओवर कर लिया इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने. हाउ एवर द इंडियन प्रिंसेस वे अलाउड टू रूल ओवर देयर टेरिटरीज. इसके बावजूद भी इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि जो छोटे छोटे किंगडम्स के टेरिटरीज के जो रूलर्स हैं वो अपने अपने टेरिटरीज में रूल कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज इनफ टू यू स्टूडेंट्स. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.